पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। आप शनासी के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज कंपैटिबिलिटी हम लोग देखेंगे कैप्रिकॉर्न और एरीज के हवाले से। जद्दी और हुमल को बहुत मेहनती और धुन का पक्का ख्याल किया जाता है। इनमें हुमल को आप सरफेरा और छलांगे मारने का शौकीन कह सकते हैं। जो सुस्त रफ्तार और असूल व ज़वाबित के मुताबिक अमल करने वाले जद्दी से जल्द बेजार हो जाएगा, और जद्दी भी मेंढे की छलांगों और खुशकुन मफरूज़ों पर बग़ैर गौर व फ़िक्र किए अमल करने से खुश ना होगा। ये कोई काम करने से पहले खूब गौर खौस करता है, फिर अपनी धुन में मगन आहिस्ता से बुलंदियों तक पहुंचने का सफ़र शुरू करता है। जद्दी और हुमल की जोड़ी में जद्दी का अपनी धुन में मस्त रहना हुमल के लिए बड़ी आजमाइश की घड़ी होती है। फिर यह अंदेशा भी साथ होगा कि अगर जद्दी ने अपनी मंजिल पा ली, यानी बकरा पहाड़ की बुलंदियों तक जा पहुँचा, तो इसके बाद हुमल के लिए करने को कौन सा काम रह जाएगा। वाज़े रहे कि हुमल अफराद हमेशा नंबर वन रहना पसंद करते हैं, नंबर टू की हैसियत इन्हें काबिले कबूल नहीं होती। मगर जद्दी के लिए भी यही बहुत है कि इसने अपनी मंजिल पा ली, फिर इसके बाद किसी चैलेंज की क्या ज़रूरत है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।